अगर सच में दीदी को कुछ हो गया तो सुमति दीदी को होश आने से पहले बोंदीदा को दूर भेजना होगा। रुक, पागल हो गई है क्या बोंदीदा? तो वैद्य को बुलाने जा रही है? छोड़ी हुई औरत की कोई मदद करता है भला? तुमने देखा ना कि गांव वालों ने क्या हालत की है तेरी माँ की? अब देख, एक बार तो बचा के लेके आ गई, दूसरी बार बचा पाएगी क्या अपनी माँ को? रुक, तू बाहर जाएगी ना तो गांव वाले फिर से कोशिश करेंगे तुझे मारने की। हर चोट खा लेगी बोंदीदा, पर माँ को कुछ नहीं होने दे सकती मैं, कुछ नहीं होने दूंगी। बोंदीदा रुक जा। जिसके लिए जश्न रखा है वो कहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? यहाँ जरा भी परवाह है तुम्हें कि कैसा है अनिरुद्ध? बात करने की कोशिश की उससे? नहीं ना, मैं तो इस बात का डर है बिनॉय कि कहीं आन बान शान बचाने के चक्कर में है अपनी बहू के बाद अपने बेटे को भी ना खो बैठे। सौरभ। जी। अनिरुद्ध कहाँ है? शायद वो अपने कमरे में होंगे, बुलाओ उसे। जी अभी बुलाता हूँ। अनिरुद्ध बाबू, इतना अंधेरा है, मैं बिजली जला दूं? नहीं सौरभ। अनिरुद्ध बाबू आप तैयार नहीं हुए? वहां आपकी सगाई के जश्न में सब बुला रहे हैं आपको। चलिए आप तैयार हो जाइए। कैसे करूं मैं ये सब सौरभ? ये सही है क्या? ये सगाई, ये जश्न, ये सही है क्या सौरभ? ये सही तो है, गलत क्या है इसमें? मिनी को उसकी आंखें मिल जाएंगी, उसके चरित्र पर लगा दाग हट जाएगा, सोमर बटुक को उनकी बॉडी मिल जाएगी, सब खुश हो जाएंगे, बाबा खुश हो जाएंगे, काका खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। अगर सब खुश हैं तो मैं खुश क्यों नहीं हूं सौरभ? आंखें तेरी शराब और आदत हमारी खराब। अरे तो किस बात का है इंतजार रसिया, करा दे चांद का दीदार। चलिए यहाँ से। भूल गई छोड़ी वाला था तू? इसे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए छोड़ी हुई औरत होने के लिए। सही बात है। तुझे या तुझसे रिश्ता रखने वाले किसी को हाथ तक नहीं लगाऊंगा मैं। ऐसा मत कहिए वैद्य बाबू, मेरी माँ की क्या गलती है इसमें? आपके दवा ना देने से उसको कुछ हो गया तो? जान बचाने के लिए वैद्य को भगवान कहते हैं ना? मेरे पति बाबू कहते थे भगवान सबके मदद के लिए नहीं जा सकते, इसके लिए ही भगवान ने वैद्य बनाए। पर भगवान देख करते हैं।
है क्या इंसानों में? अगर नहीं तो आप क्यों वेद करते हैं वैद बाबू? छोड़ी हुई औरत के इंसान नहीं होती, उसके दुख और तकलीफ अलग होते हैं। आपकी दवा असर करते समय देखेगी क्या कि ये छोड़ी हुई औरत की माँ है? जो सजा देनी है दे दीजिए मुझे, पर चलिए मेरे साथ, बचा लीजिए मेरी माँ को। अगर मैंने इलाज किया तो गांव वाले मुझे गांव निकाला नहीं दे देंगे क्या? तुम्हारे लिए अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता तुम्हारी माँ का इलाज। ये लीजिए, फाड़ दीजिए इसे, और आपके अंदर जितना भी गुस्सा भरा हुआ है निकाल दीजिए इस तस्वीर पर, क्योंकि यही है आपकी परेशानी का कारण। तो इसे दूर कीजिए अपने आप से, फिर देखिएगा कि मन की बेचैनी भी दूर हो जाएगी। बंदिता, ये है कैमरा। कमरा? इतना छोटा कमरा? कौन सोता है इसमें? गुड्डे गुड़ियों का कमरा है क्या? नहीं बंदिता, कमरा नहीं, कैमरा है ये, कैमरा। और ये देख रही हो, इसमें से ना बिजली निकलेगी और सीधा आकर तुम पर पड़ेगी और तुम्हारी तस्वीर बन जाएगी। ये कमरा मुझे अपने अंदर खींचकर तस्वीर बना देगा पति बाबू? नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना तस्वीर, मैं तो ऐसे ही प्यारी सी बोंदता ही अच्छी हूँ। नहीं बोंदता, तुम ऐसे ही रहोगी और वो कैमरा भी वहीं पर रहेगा, बस वो तुम्हारी तस्वीर खींच लेगा और तस्वीर बन जाएगी, जैसे जैसे मेरी ये तस्वीर है, देखो। शक्ति, शक्ति, फोटो खिंचवानी है? बैठ जाओ वहां पर। तस्वीर नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो मेरे पति बाबू के साथ वाली तस्वीर चाहिए। तो मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ ऐसे? कहाँ खो गए अनिरुद्ध बाबू? आपसे नहीं होगा, मुझे आपके मन के बोझ को दूर करना होगा। वैसे बोंदिता, हमारे पास कुछ और चीजें भी हैं जिसके साथ तस्वीर खिंचवा सकती हो तुम, देखना चाहोगी? बताओ कौन सा पहनना चाहोगी? ये वाला। इसे पहनकर तो तुम बैरिस्टर बाबू बन जाओगी बोंदिता। बैरिस्टर बोंदिता रॉय चौधरी बन जाऊंगी मैं पति बाबू। आओ, तो तुम्हें बैरिस्टर बोंदिता रॉय चौधरी बनाए। बोंदिता, ये तुम्हारी बैरिस्टर बनने की डिग्री, बैरिस्टर बोंदिता रॉय चौधरी, खींचिए। मेरा वादा है खुद से बोंदिता, तुम सिर्फ तस्वीर में नहीं बल्कि एक दिन पढ़ लिख कर डॉक्टर, बैरिस्टर या इंजीनियर बनकर मेरे सामने खड़ी रहोगी।
जिस बात से डर रहे हैं आप, ऐसा ना हो तो? नहीं, ये असंभव है। असंभव नहीं, संभव भी होता है ना। एक बार वैद्य जी आ गए तो सुमति बहन को ठीक होने में समय लगेगा क्या? और अगर ये ठीक हो गई तो क्या बॉन्दिता को कहीं जाने देगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो। सही या गलत जैसा भी हो, बॉन्दिता को तो मैं यहाँ से भेज कर ही रहूंगी। जैसे सुमति बहन का बेटी प्रेम है, ठीक वैसे ही मेरी बेटी संपूर्णा की गृहस्थी बचाना मेरा धर्म है। बक्सा लेने पहुंचेंगे तब तक मेरी माँ के पास पहुंच गए होंगे हम। तो अगर वैसा हुआ तो आप अपनी इच्छा से आए होंगे या मेरे पीछे जबरदस्ती आना पड़ा होगा आपको? जबरदस्ती आना होगा तो क्या इसके लिए गांव वाले दोषी ठहराएंगे आपको? नहीं ना। और एक बार मरीज सामने हो तो आपका वैद्य धर्म तो उसका इलाज किए बिना जाने की आज्ञा देगा क्या? हाँ, ये ठीक है। इस तरह मेरी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी माँ की भी। तो जल्दी से भागे मेरे पीछे वैद्य बाबू, चलिए। मैं जानती हूँ दीदी कि आप और बॉन्दिता एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार बॉन्दिता आपको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। बॉन्दिता, मेरा दवाई का बक्सा मुझे दे दो। भागी होने से ये ठीक बात नहीं है। तो पहले इलाज कीजिए मेरी माँ का, तभी दूंगी आपका बक्सा। ये तो कमा, ठीक कर दो मेरी माँ को। सगाई की रस्म पूरी होने से पहले छोटे मालिक और छोटे मालकिन को नवजोरी की तरह दुर्गा माँ की पूजा करनी होगी। काका कहते हैं कि आप मदद करने आती हो दुर्गा माँ, पर मैंने कभी नहीं माना। तो अगर उनका विश्वास सही है और मेरा गलत, तो जवाब दो मुझे कि क्यों इतना बेचैन हूँ मैं? क्यों ऐसा लग रहा है मुझे जैसे जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है? दुर्गा माँ, अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे सब ठीक हो जाए। बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को दवा दे दी है और ये दवा तुम इन्हें आराम से दो दो घंटे बाद देती रहना। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी तुम्हारी माँ। धन्यवाद वैद्य बाबू। वैद्य जी, कब तक होश आएगा दीदी को? एक घंटे में होश आ जाएगा। इसका मतलब मुझे एक घंटे के अंदर ही अंदर यहाँ से भेजना होगा बॉन्दिता को। बहुत बहुत खुश हूँ मैं माँ, क्योंकि अब ठीक हो जाएगी। तो आपके पैसे ये फोटो दे दीजिए हमें। हमारे बड़े मालिक विनय बाबू का सख्त आदेश है कि आज के बाद तस्वीर तक नजर नहीं आनी चाहिए इस घर में। छोटी मालकिन की यानी बहुरानी जी की। ये बहुरानी है? फिर वो विनय बाबू की बड़े बेटे की सगाई किससे हो रही है? बहुरानी थी पर अब छोड़ दिया है परिश्रम बाबू ने उनको, और जोड़ रहे हैं नया रिश्ता अपने बचपन के दोस्त के साथ। छोड़ी हुई औरत है, छोड़ी हुई औरत है।
मैं सही था। अगर बौंदता की दुर्गा माँ सच में होती तो मदद जरूर करती। एक घंटे में मैं तुझे एक नई दुनिया में भेज दूंगी बौंदिता, एक ऐसी दुनिया जो नर्क से भी पत्तर है, एक ऐसी दुनिया जहां तेरी एक नई पहचान बनेगी, एक ऐसी दुनिया जहां मैंने तुझे एक बार ही बेचा है लेकिन तू वहां रोज बिकेगी। आज से तेरे भाग्य में घर नहीं है बौंदिता, तेरे नसीब में मैंने बाजार लिख दिया है। तुम्हारी काली और पवित्र छाया भी कैसे पड़ी हमारी पवित्र आरती की थाली में। साहस कैसे किया तुमने नए जोड़े की आरती में शामिल होने का। देखो कैसे कैसे हमारा ये शुभ प्रसंग, सगाई की आरती की थाल दोनों अशुद्ध कर दिए तुम्हारे घुंघरू ने। माफ कीजिएगा, वो हमारा पैर फिसल गया। जिसका चरित्र ही फिसला हुआ है पैर फिसलने का बहाना बना रही है बिनॉय। थाना की शुभ घड़ी से पहले चली जाओ यहां से। फिर क्यों आई हो यहां? भूल गई कि किस बाजार से आई हो तुम? मालूम नहीं कि बाहर की गलियों का कीचड़ हमें पसंद नहीं हमारे घर में। हिम्मत कैसे की? क्या हो रहा है निरुक्त, बताओ ना। काका, बाबा एक औरत का अपमान कर रहे हैं, रोकिए उन्हें। निरुक्त, इसे औरत कहना औरतों को गाली देना नहीं होगा क्या? तो ये पूछे वालियां हैं कि क्या इज्जत, क्या मान, क्या सम्मान। और पैसे लेने आई है क्या? दाम कम लगा तुम्हें अपने नाच गाने का? अरे कम लगा तो और मांग लेती, लेकिन घर की दहलीज से बाहर हम खुशी खुशी नछावर लुटा देते तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी हमारे बेटे की सगाई बर्बाद करने तुम यहां पर आई। दो टके की बाजारू औरत, ले यही चाहिए ना। बस कीजिए बाबा, क्या कर रहे हैं आप? क्या ये तरीका है हम रॉय चौधरियों की मेहमान नवाजी का? मेहमान नहीं है ये हमारी अनिरोध, हमारे जश्न का मनोरंजन थी। इतनी ही औकात है इस नाचने वाली बाजारू औरत की? बाजारू औरत हैं ये, पर इन्हें बाजारू बनाने वाले आप जैसे लोग हैं बाबा। अनिरोध, मेरे कड़वे शब्दों को माफ कीजिएगा बाबा, पर अगर ये दो पैसों में बिकने वाली हैं, तो इन्हें दो पैसे देने वाले खरीदार हैं आप जैसे लोग। घरों की महफिलों को सजाने के लिए इन्हें घर बुलाने वाले हैं आप जैसे लोग। अब पूरा जश्न खत्म होने के बाद कीचड़ कहकर इन्हें घर की दहलीज से निकालने वाले हैं आप जैसे लोग बाबा। सम्मान पर तो हर औरत का बराबर अधिकार होता है ना बाबा। अनिरुद्ध बाबू, घर की औरतों की तुलना कोई बाजारू औरतों से करता है क्या?
हम सब जानते हैं कोई औरत अपनी इच्छा से बाजार नहीं चुनती, तो क्यों नहीं सोच पाते ये भी किसी की बेटी होंगी, किसी की बहन होंगी। हमने सपने में भी नहीं सोचा था अनिरुद्ध कि तुम एक बाजारू औरत के लिए अपने बाबा से झगड़ोगे। अनिरुद्ध जो हुआ सो हुआ, मामला खत्म करो, भेजो इस औरत को यहां से और आओ सगाई शुरू करो। नहीं काका, मेरे जीते जी किसी औरत का अपमान नहीं होगा, यही वचन लिया था ना मैंने, यही कारण था ना मेरे लंदन से हिंदुस्तान वापस आने का। इसीलिए सगाई तब तक नहीं होगी जब तक बाबा इनसे माफी नहीं मांगेंगे। माफी ये कभी नहीं हो सकता है अनिरुद्ध, कभी नहीं। तो ये सगाई भी नहीं हो सकती। वाह खूब फालो, हमें तो लगा कि इस जश्न का मनोरंजन हम हैं, रसिया भाई हैं। पर अब पता चला कि इस जश्न का असली मनोरंजन तो आप हैं जमींदार बाबू, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ हीरा मंडी में ही देखा था जमींदारों को लड़ते हुए हमारी बोली लगाते वक्त, पर आज पहली बार देख रहे कि एक जमींदार दूसरे जमींदार से लड़ रहा है, वो भी हमारे सम्मान के लिए। की भालो। दिल से वाह तो कह दिया आप, पर अब ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारे वाह के पीछे किसी दूसरी औरत की आह तो नहीं। हमारे ऊपर उंगली उठाने पर जिस इंसान ने आवाज उठाई, कहीं उसी ने किसी और औरत पर उंगली तो नहीं उठाई, उसका हाथ तो नहीं छुका। ये जो महान बनने का मुखौटा लगाए आप घूमते फिरते, कैसे कर लेते हैं ये, जरा तरकीब हमें भी तो बताइए। अरे तमाशा तो रसिया बाई करेगी ना जमींदार बाबू। बुरा लगा ना आपको कि हमें किसी ने कीचड़ कहा, तो वही दूसरे और किसी अपने के माथे पे आपने दाग लगाया। हवेली पर दाग हो तुम बंदता दाग, चली जाओ वापस अपनी माँ के पास। दोबारा कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना बंदता, तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं बंदता। हमारे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है जमींदार बाबू, पहले याद कीजिए कि ऐसा ही वादा आपने किसी और से तो नहीं किया था, और फिर मंझधार में उसे छोड़ तो नहीं दिया था। पर इस तरह बाबू For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.